नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे। जी हाँ साथियों, क्योंकि आपको पता है भाई, ईमानदारी से आप बताना कमेंट में, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ूंगा इस वीडियो में। क्या आपको लगता नहीं कि आप टिकट के वीडियो देख देख के बोर हो गए? आपको लगता नहीं कि यार क्या है ये, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? रोज़ के टिकट से रिलेटेड सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं। क्या आपको क्या लगता है उनसे? ईमानदारी से बताना कमेंट करके। आपका माइंड ये सर दुखने नहीं लग जाता रोज रोज फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, जबकि आपके पल्ले कुछ पड़ता नहीं? कहने का मतलब है कि खाना सामने रख दिया बना के, लेकिन इसको खा नहीं सकते, तो फिर वो भूख ज़्यादा लगती है। समझ रहे हो बात को? फ्लाइट के नाम से माइंड में आपका इतना ज़्यादा ज़्यादा आप इरिटेट हो चुके हो कि आपको जी नहीं करता कि वो वीडियो देखें क्या। ये सच्चाई आप कमेंट में करके मुझे बताना, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आई। हालांकि आपको पता है मैं फ्लाइट से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। वीडियो तो बना के भाई बहुत सारे रीज़न होते हैं, बना बना के लोग डाल देते हैं। आज उसने ये बोला, आज उसने ये ट्वीट किया, आज उसने वो फलाना ढिमका, चलता रहता है, 2 महीने से चल रहा है, देख रहे हैं। बाकी हकीकत ये है कि जितने वीडियो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं ना, उससे बहुत कम लोग पहुंचे इंडिया में। आप समझ लीजिए कि इंडिया में रोज के कितने वीडियो वायरल होते हैं, आप भी लोग देखते होंगे, लेकिन आदमी कितने विदेशों में फंसे लोग इंडिया कितने पहुंच पाते हैं, आपको पता है सच्चाई का? दूसरी बात, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास भी जो कमेंट आते हैं फ्लाइट से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि और तो जॉब वगैरह तो मैटर क्लोज हो गया। आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक वीडियो डाला था आज से लगभग 7-8 दिन पहले, मैंने ये बोला था कि भाई देखिए, खाना सामने पड़ा है ना, खाना खुद को ही पड़ेगा। दूसरों के भरोसे अपन खाने की सोचेंगे ना, तो भूख मरना पड़ सकता है। ये बात मैंने बताई थी। मैंने आपको ये बोला था कि आप अपने लोकल स्तर पर, आपका जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है, सरपंच, MLA, सांसद, आप लोगों ने कितने लोगों ने उनको 1 से 2 मिनट का वीडियो बना के डाला, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये काम किया होगा। अगर किया होता तो मेरे पास जरूर किसी न किसी बंदे 15-20-20-50 लोग जरूर मुझे व्हाट्सएप वीडियो करते, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम आपने किया। ठीक है, दूसरी बात, नहीं आपने, मुझे नहीं लगता कि आपके घर वाले अपने प्रतिनिधित्व तक पहुंचे हैं, अपने नेता तक पहुंचे हैं, बताना मुझे ईमानदारी से कमेंट करके। और आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हमारा वो कर दे हर सर जी, वीडियो कमेंट आ रहे हैं मर्जी, लाखों कमेंट आज आप लोग करते हो, 50-60 कंट्रियों से लाखों कमेंट रोज आते हैं लोगों के पास, मेरे पास भी आते हैं तो थोड़े बहुत, और लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है? सर जी फ्लाइट बता दो, सर जी वो बता दो, जबकि आपकी मैंने जड़ एक ही बताई थी कि शुरुआत वहाँ से करनी पड़ेगी, जीरो से। कितने लोगों ने वो शुरुआत करी, कितने लोगों ने अपने सरपंच से, अपने MLA से, अपने विधायक से, या फिर अपने सांसद से, या फिर कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है उससे कितने लोगों ने अपने वीडियो बना के डाले, उनके साथ कितने लोगों ने अपनी पीड़ाएं, जो विदेश में बैठे लोग आप परेशान, कितनी पीड़ाएं मुझे उनसे शेयर करी? अगर करिए तो भाई मुझे वीडियो सेंड करना। अगर कमेंट आप झूठा मत करना भाई, मुझे मुझसे आप झूठ कमेंट करके फ्लाइट नहीं भेज सकता मैं आपको। कड़वी सच्चाई मेरे पास हमेशा सच्चाई कड़वी रहेगी, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। इस बात को जितना जल्दी मान लो कि उतना जल्दी फायदा होता है आपको। फालतू के लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, आपको पता है एक ऑप्शन यही बचा है सिर्फ फ्लाइट का रिलेटेड, और इंडियन की छोड़िए महाराज, दूसरी कंट्रियों के लोग आप लोगों की टेंशन लेने लग गए। ये और देखिए बड़े मज़े की बात यह है, दूसरी कंट्रियों के जिनकी उम्र 18-20 साल है, और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, उनका चैनल हाइड है, सब्सक्राइबर आपको नहीं देख पाओगे उनके, क्योंकि थोड़े बहुत हैं। ठीक है, वो लोग आपको इंडिया के बारे में बता रहे हैं, जबकि हकीकत है यह है कि उनको खुद के बारे में नहीं पता कि हम कहाँ खेल रहे हैं। समझ रहे हो, मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तो भाई सामने आ जाता है तो देख लेते हैं, आपके सामने भी आता होगा। उनकी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि अरे ये अपना बंदा नहीं, अपने इंडियन बंदा नहीं है, ये दूसरी कंट्रियों के लोग आपको बता रहे हैं कि इंडिया में ये हो गया वो हो गया, और आप चाव चाव से देख रहे हैं, लोग अपने सरकार की अपने देश की बुराई करते हैं, और आप मज़े से उनके साथ में कमेंट में कमेंट, कंधे से कंधा मिला के, हाँ जी बिल्कुल, हमारी सरकार ये है, हमारा देश ये हो गया, हम मर गए। जबकि आपको सोचना चाहिए कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उनसे हम बहुत ऊपर हैं, ये दिमाग हमेशा रख लेना, उनके बहकाव में आने की जरूरत नहीं है भाई। और कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने अपने जो प्रतिनिधित्व, जो सांसद MLA, कितने लोगों ने आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें इंडिया बुलाइए, बताना मुझे। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ये काम किया है, जबकि दूसरे की भाई कंधे पे बंदूक है ना, आप रखोगे ना,
तो गोली नहीं चल पाएगी, निशाना नहीं लगेगा। खुद के बंद को कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे तो मजा आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।